हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूबी फैक्ट्स। चलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेलोसीरैप्टर के बारे में। 1923 में वेलोसीरैप्टर का फॉसिल्स एंड्रू नाम के एक व्यक्ति को मिला था। 1924 में पीटर कैसेन नाम के एक व्यक्ति ने वेलोसीरैप्टर का फॉसिल्स को दुनिया के सामने लाए थे। उसी साल हेनरी फेयरफील्ड ऑसबॉर्न ने उस फॉसिल को देखकर उसे वेलोसीरैप्टर का नाम दिए गए थे। 2007 में ये पता चला कि वेलोसीरैप्टर को पंख भी थे। 2008 में एक फॉसिल मिला था और उस फॉसिल को देखने के बाद वेलोसीरैप्टर को दो अलग अलग स्पीशीज में डिवाइड किया गया था। एक वेलोसीरैप्टर मंगोलनिसिस, दूसरा वेलोसीरैप्टर ऑस्मोल्सके। वेलोसीरैप्टर का एक फैमिली था, उस फैमिली का नाम है ड्रोमियोसॉरिडे। वेलोसीरैप्टर ग्रीन कलर में रहते थे। उसका हाइट 6.8 फीट तक रहता था और उसका लेंथ 1.6 फीट। उसका वजन 15 किलो तक रहता था। उसके पूरे 30 दांत रहते थे। वेलोसीरैप्टर का स्पीड 64 किलोमीटर पर हार तक रहता था। वेलोसीरैप्टर का मतलब है रनिंग लिजर्ड। वेलोसीरैप्टर एक कार्निवोरस डायनासोर था। वो एक कार्निवोरस डायनासोर होने के नाते प्रोटोसेराटॉप्स को ज़्यादा खाते थे। वेलोसीरैप्टर देखने में छोटे थे पर बहुत ही भयंकर और खतरनाक रहते थे। वेलोसीरैप्टर बहुत ही तेज होने के कारण वो हंटिंग अच्छे से करते थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वेलोसीरैप्टर का कहानी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पैरासोलोफस का जानकारियाँ रखूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।